हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लेकर आया हूँ क्लास 11th का इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन। जैसा कि आप जानते हैं, टट किंग टट का जो डेड डेड बॉडी था, उसको एक कॉफिन में बंद किया गया था। तो उसमें 3 कॉफिन्स थे। तो उस कॉफिन का फर्स्ट लेयर में पूछ रहा है कि व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन, फर्स्ट कॉफिन में क्या था। तो उसमें था गार्लैंड्स ऑफ लाइफ्स, यानी कि जैतून का माला था, लोटस पेटल्स यानी कि कमल की पंखुड़ियाँ थी, एंड कॉर्नफ्लावर्स। कॉर्नफ्लावर्स मतलब नीले फूल होते हैं जो कि जंगल में पाए जाते हैं, है ना। तो जंगली पौधे के नीले फूल थे कॉर्नफ्लावर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या था उसमें, गार्लैंड्स ऑफ लाइफ्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हु वाज तूतन खातून खामून। ठीक है, हु वाज तूतन खामून, तूतन खामून कौन थे। तो एन इजिप्टियन किंग थे ये। कौन थे, एन इजिप्टियन किंग। इजिप्टियन का मतलब क्या होता है, मिस्र। मिस्र देश के क्या थे, ये राजा थे, एन इजिप्टियन किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फाउंड विथ तूतन खामून्स बॉडी, यानी कि तूतन खामून्स के बॉडी के साथ क्या मिला। तो उनके साथ मिला था गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लॉथेज, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन। ठीक है, जब इनकी डेड बॉडी को जब दफनाया गया था, तो उनके साथ इनकी प्रतिदिन यूज होने वाले वस्तुओं को दे दी गई थी, जैसे गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स। गेम्स खेलने वाले जितने भी चीज़ थे जिसको ये खेला करते थे, वो सारी वस्तुओं दे दिया गया थे, और क्लॉथेज कपड़े, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन्स कुछ खाने की सामग्रियां, और वाइन भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हेन डिड टट डाई, टट की मृत्यु कब हुई थी। तो व्हेन ही वाज ए टीनेजर, जब ये टीनेजर में थे तब इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट नेम डिड अमेनहोटेप 4 चेंज। ठीक है, व्हाट नेम डिड अमेनहोटेप 4 चेंज। अमेनहोटेप 4 जो थे वो क्या नाम में परिवर्तन किए थे। तो इन्होंने क्या कर दिया था, आखेनातन जो है नाम में परिवर्तन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सॉरी 6 देखेंगे, हु डिस्कवर टट्स टॉम्ब एंड वेन। तो क्वेश्चन है कि डिस्कवर टट का जो है टॉम्ब, यानी कि जिसमें इनको दफनाया गया था, उनका टॉम्ब को सबसे पहले किसने खोजा और कब खोजा। तो सबसे पहले हॉवर्ड कार्टर, ये 1922 में खोजे थे, हॉवर्ड कार्टर इन 1922। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हेन वाज टट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड। ठीक है, यानी कि जब इनका टॉम्ब में बॉडी मिला, तो इनके बॉडी को टॉम्ब से बाहर सीटी स्कैन के लिए कब बाहर निकाला गया। तो आफ्टर 80 ईयर्स, 80 साल के बाद जो है इनको टॉम्ब से बाहर सीटी स्कैन के लिए निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, फॉर हाउ मेनी ईयर्स अमेनहोटेप 3rd रूल इजिप्ट। यानी कि अमेनहोटेप 4 जो थर्ड जो थे इजिप्ट पर कितने सालों तक रूल किए थे, राज किए थे। तो ये किए थे 40 ईयर्स तक। कितने ईयर तक, 40 ईयर्स तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन। एटेन का मतलब था सन डिस्क, यानी सूर्य देवता की पूजा। इसका प्रमोशन कौन किया था, इसको कौन परमिट किया था। तो अमेनहोटेप 4 किए थे, अमेनहोटेप 4 बोले थे कि अब क्या किसकी पूजा की जाएगी यहाँ पे, एटेन। एटेन मीन्स सन डिस्क, यानी कि सूर्य देवता का पूजा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड तूतन खातून रूल इजिप्ट। तूतन खातून जो थे इजिप्ट पर कितने वर्षों तक रूल किए, 9 ईयर्स, यानी कि 9 वर्ष तक रूल किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 11, हाउ वुड यू डिस्क्राइब टट्स टॉम्ब। ठीक है, यानी कि किंग टट का जो टॉम्ब था जिसमें उसको दफनाया गया था, वहाँ पे उनका किस तरीका का टॉम्ब था। तो वो एक पत्थर का बना हुआ टॉम्ब था, रॉक कट, मतलब पत्थर को काट के बनाया गया था, जो कि 26 फीट गहरी थी, अंडरग्राउंड था। ठीक है, अंडरग्राउंड 26 फीट गहरी थी, विच हैड वॉल पेंटिंग्स, और उसके जो वॉल थे, दीवार थे, दीवार पे पेंटिंग बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, व्हाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल। ठीक है, थर्ड कॉफिन को
कार्टर को निकाल बॉडी को निकालने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि द रेजिन्स यूज टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच वॉज हार्डेंड इनफ। पहले लोग क्या करते थे, किसी भी चीज़ को साटने के लिए रेजिन्स का इस्तेमाल किया जा करते थे, और ये बहुत ही हार्ड मटेरियल हुआ करता था। जब ये सड़ जाता था तो बहुत हार्ड मटेरियल हो जाता था, तो इसी का यूज किया गया था। जो नीचे, ठीक है, इसका बॉटम में पेंदी में जो था, गोल्ड का पेंदी था, उसमें चिपक गया था उनका बॉडी, जो कि बहुत ही हार्डन एंड बहुत ज़्यादा हार्डन हो गया था, कठोर हो चुका था, जिसको निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। किसको? कार्टर को। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाउ डिड द कार्टर रिमूव द रेजिन्स? तो इन रेजिन्स को कार्टर ने कैसे हटाया, ठीक है, कार्टर ने रेजिन्स को कैसे हटाया? आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर, छेनी और हथौड़ी के साथ, ठीक है, पीट करके उसको हटाया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाउ डिड द कार्टर कट द बॉडी ऑफ टट? ठीक है, टट के बॉडी को कैसे काटा हो? तो फर्स्ट, सबसे पहले हेड एंड देन एवरी लिम्स, पहले तो उनका सर हटाया, उसके बाद धीरे धीरे सारे अंगों को हटाया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। वाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी? ठीक है, उनकी वह बॉडी काट दिया गया, काट के अलग कर दिया गया, तब कार्टर के आदमी लोगों ने क्या किया, ठीक है, तब कार्टर ने क्या किया? तो दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडेन बॉक्स। क्या किए कि सबसे पहले एक वुडेन बॉक्स लिए, उन्हें वुडेन बॉक्स के अंदर क्या रख दिए, बालू रख दिए, सैंड रख दिए, उसके ऊपर धीरे धीरे उनकी सारे, जैसे सर के, उसके बाद उसके हाथों को, पैरों को अच्छा तरीके से सजा के रख दिए, किसमें, वुडेन बॉक्स में, सैंड के ऊपर, बालू के ऊपर। वेन वाज द मम्मी एग्जामिन्ड इन एक्सरे बाय द एनाटोमी प्रोफेसर? ठीक है, एनाटोमी प्रोफेसर के द्वारा एक्सरे के माध्यम से कब सीटी स्कैन किया गया था, कब इसको एक्सरे किया गया था, एग्जामिन किया गया था, तो इन 1968। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, व्हेन वाज द मम्मी एग्जामिन्ड, मम्मी को कब एग्जामिन किया गया था, इन एक्सरे, एक्सरे में, बाय द एनाटोमी प्रोफेसर, एनाटोमी प्रोफेसर के द्वारा मम्मी को एक्सरे में कब एग्जामिन किया गया था, तो इन 1968। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट फैक्ट्स वेयर रिवील्ड वेन द मम्मी वॉज एक्सरेड इन 1968? जब 1968 में एक्सरे किया गया तो क्या सामने आया कि किस तरीका से इनका मौत हुआ था, ठीक है, क्या इनका रिपोर्ट सामने आया? तो उसमें रिपोर्ट में आया कि हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वेयर मिसिंग। तो इनका जो ब्रेस्ट था, ब्रेस्ट बोन यानी कि छाती का जो बोन था, हड्डी था वो, और फ्रंट रिब्स जो पसलियाँ थी वो गायब, क्या था, गायब था, मिसिंग था। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, व्हाट डज सीटी स्कैन स्टैंड फॉर? सीटी स्कैन का मतलब क्या होता है, सीटी स्कैन का मतलब क्या होता है? सीटी स्टैन का मतलब, स्टैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है, सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हाउ डिड द वर्क मैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन? ठीक है, तो जितने भी काम करने वाले आदमी थे उन्होंने बॉडी को स्कैन करने के लिए कैसे उठाया, तो ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर, ठीक है, ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर, ये इन्होंने एक हाइड्रोलिक ट्रेलर पर उठाया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हाउ डिड द प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन? तो इनका काम जो था, प्रोसीजर था, बीच में ही रुक गया था। क्यों? क्योंकि एज स्पेयर फैन स्टॉप वर्किंग, क्योंकि इनका स्पेयर फैन जो था वो काम करना बंद कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, वेन वाज टर्स बॉडी टेकन बैक इन हिज टॉम्ब आफ्टर सिटी स्कैन? जब इनका सिटी स्कैन, टर्ट का बॉडी जो है उसका सिटी स्कैन कर दिया गया, तब इनको वापस रख दिया गया था, ठीक है, तो कितने समय के लिए इसको बाहर निकाला गया था, तो कितने समय के लिए इसको एग्जामिन किया गया, तो 3 आवर्स ना, आफ्टर 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे बाद फिर से इसको वापस रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टट कॉल्ड? यानी कि कब्रिस्तान, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान को
क्या कहा जाता था जिसमें टट का डेड बॉडी दफनाया गया था? तो उस कब्रिस्तान को कहा जाता था वैली ऑफ द किंग्स, वैली ऑफ द किंग्स। अगला क्वेश्चन है 23, हाउ डिड टट डाई, टट कैसे मरे? ठीक है, तो ये एक मिस्ट्री रह चुका था, ये एक रहस्यमयी घटना थी, पता ही नहीं चला कि इसका इनकी मृत्यु कैसे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, हु सेड द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920। ठीक है, कौन कहा कि जो टट का डेड बॉडी है बिल्कुल बैड कंडीशन में, बहुत खराब स्थिति में है, और किसके वजह से हुआ है? कार्टर की वजह से हुआ। तो यह बात बोले थे जाही हवास, और बोले थे जाही हवास। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, व्हाट वाज लेड, यहाँ पे होगा व्हाट, व्हाट वाज लेड टू रेस्ट लेडन विथ, ठीक है, यानी कि राजा को किस चीज के साथ, ठीक है, दफनाया गया था? तो उनको गोल्ड के साथ दफनाया गया था, ठीक है, उनके उसके साथ उनके साथ बहुत सारे गोल्ड दिए गए थे, सोने दिए गए थे। नेक्स्ट है, वेन डिड टट डाई, डाई टट जो है कब मर चुके थे? ठीक है, तो ये लगभग कब मर चुके थे? तो क्योंकि हम मुझे आप लोगों को तो ये पता है नहीं डेट फिक्स की कौन सा डेट में मरे थे, तो लगभग ऐसा अनुमान लगाया गया था कि टट डाई मोर देन 33,000 ईयर्स एगो, यानी कि 33,000 वर्ष पहले मरे थे। व्हाट वाज टट लेविस्ट विथ, ठीक है, तो जब जो टट टट थे इनके शरीर बॉडी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें, ठीक है, फिजूल खर्च जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या क्या उनके साथ दिए गए थे, तो उनके साथ क्या लदे हुए थे, क्या दिए गए थे? तो ग्लिटरिंग गुड्स, चमकने वाली वस्तुएं, प्रीसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, ए सेरेमोनियल एप्रॉन, एप्रॉन भी दिया गया था, सैंडल्स दिए गए थे, सिस फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, सिस का मतलब होता है क्या, पहनने वाले जो उंगली में पढ़ा पहना जाता है, ठीक है, या फिर पैर के अंगूठे में पहने जाते हैं उसको सिथ से बोलते हैं, सिथ फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सब जितनी भी चीज़ें बने हुए थे सब प्योर गोल्ड का बना हुआ था। तो ये क्वेश्चन था आपका, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 27, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे आपके लिए। तो ये चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, इस चैप्टर का सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।